डॉक्टर साहब से मेरा तारुफ ये है कि इनके फादर मेरे टीचर थे और मेरी जिंदगी में तीन या चार टीचर ऐसे आए जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला। वो उनमें सरे फहरिस्त हैं। तो मैंने एक चीज नोट की कि उन्होंने इनकी तरबियत किस तरह की। जब इनकी तरबियत हो रही थी वो बीमार थे और मैं अक्सर उनके पास रहता बीमारदारी के लिए, नर्सिंग के लिए। तो मैंने गौर किया और आज भी मैंने इस पे गौर किया है कई दफा कि उन्होंने इनको कोई लेक्चर नहीं दिए, सिर्फ आजाद छोड़ा, ये जो चाहे करें। इनकी खूबी ये थी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। स्टूडेंट थे तो जूडो कराटे में अपने कमाल तक पहुंचे, ब्लैक बेल्ट ली और बेशुमार उससे अलाइड जो उसके फनून है वो सारे इन्होंने हासिल किए। उसके बाद फिर ये जब माइंड साइंसेस में आ गए तो माइंड साइंसेस में बड़ा काम किया, फिर एनएलपी में आ गए, फिर मोटिवेशनल लेक्चरर के तौर पे जो नाम इन्होंने कमाया है। तो सच्ची बात यह है कि मैं जब ये चेयर इनको पेश कर रहा था तो मुझे ये नहीं था कि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं, बल्कि फ़ख्र से मेरी गर्दन मुझे महसूस हो रही थी कि 2-4 इंच ऊपर चली गई है। बाकी सारी बातें आपके सामने हो चुकी। शुरू ही इन्होंने मेरे स्टाइल में किया था ख्वातीन के साथ। इन्होंने टारगेट उनसे पूछे थे आते ही, तो एक बात पे मुझे भी एक वाकया याद आ रहा था कि एक लड़की ने अपने फादर को कहा, अबू तलहा ने मुझे आज बहुत छेड़ा है। कहता है मैं उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा और उसकी पिटाई होगी, उसका नाम कॉलेज से खारिज होगा। वो कहने लगे नहीं, आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं, बस आप मेरे उससे शादी कर रहा। तो अबू ने कहा कि इंतकाम लेने के सिलसिले में तुम अपनी माँ इनसे आप क्या टारगेट पूछेंगे। इनके टारगेट तो तबाही हैं तुम्हारी। Thank you.